हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 डिफरेंट फ्लेवर्स की लस्सी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और ये समर्स के लिए तो बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लेन लस्सी बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार रखा है। इसमें जाएगा 1 कप दही, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी अब अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालें। 3 से 4 आइस क्यूब्स। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो मैं आपको ब्लेंड करके बताती हूँ। तो मैंने ब्लेंड कर दिया है, तो अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में निकाल देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर से दही के ऊपर जो मलाई होती है वो डालेंगे। तो हमारी प्लेन लस्सी तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे मैंगो लस्सी। तो इसके लिए ब्लेंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 1 कप दही, 1/2 कप कटे हुए आम, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी और 3 से 4 आइस क्यूब्स। तो अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। तो मैंगो लस्सी को हमने ब्लेंड कर दिया है, इसे भी हम एक सर्विंग ग्लास में निकाल देते हैं। इसे हम थोड़े से कटे हुए आम से डेकोरेट करेंगे और थोड़े कटे हुए बादाम के पीसेस। तो हमारी मैंगो लस्सी भी तैयार है। तो अब हम बनाते हैं रोज लस्सी। तो रोज लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1 कप दही। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच रोज सिरप। ये रोज सिरप इजीली मार्केट में अवेलेबल है, और अगर ना हो तो आप रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून चीनी, 3 से 4 आइस क्यूब्स, और इसे भी हम ब्लेंड करेंगे। तो हमारी रोज लस्सी भी तैयार है, तो इसे हम सर्विंग ग्लास में डाल देते हैं। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा रोज सिरप डाल रही हूँ। तो हमारी रोज लस्सी भी तैयार है। तो अब हम बनाते हैं बनाना लस्सी। तो बनाना लस्सी बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में हम डालेंगे 1 कप दही। एक बनाना को मैंने कट कर दिया है, 5 से 6 काजू, 5 से 6 बादाम, इसको मैंने पानी में सोक करके डाला था आधे घंटे के लिए, 2 टेबलस्पून चीनी और 3 से 4 आइस क्यूब्स, और इसे हम ब्लेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बनाना लस्सी भी तैयार है, इसे भी हम एक सर्विंग ग्लास में निकाल देते हैं। इसके ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए बादाम और काजू डेकोरेट कर रही हूँ मैं। तो हमारा बनाना लस्सी भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये डिफरेंट फ्लेवर्स की लस्सी बनकर तैयार है। इस समर्स में आप ये लस्सी ज़रूर बनाकर देखें, ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।